हेलो एंड वेलकम बैक टू द नूबर्स कम्युनिटी। आज हम फिर से वापस आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही पॉपुलर एंड एंटीसिपेटेड गेम ऑफ द ईयर के बारे में वेल रिसर्च्ड एक वीडियो लेके, जो कि है GTA 6। GTA 6 के बारे में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी इंटरनेट पे मिलेगी वो सारी की सारी समराइज करके आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आपको लाखों आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरूर सब सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे दूसरे प्लेलिस्ट को भी चेक कर ले। हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ मल्टीप्लेयर गेम्स, साथ ही साथ स्टोरी मोड गेम्स की वीडियोस पब्लिश करते रहते हैं। हाल फिलहाल में ही हमने फार क्राई 6 भी चालू किया। वो अगर आप ये वीडियो मिस नहीं करना चाहते फार क्राई 6 के, तो आप कुछ नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में एक और चीज बताऊंगा कि हमने इस वीडियो को 7 सेक्शंस में क्यों डिवाइड किया है और वो 7 सेक्शन में हम किस किस चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। और लास्ट जो हमारा सेक्शन रहेगा वो रहेगा हमारा एक कंक्लूजन। तो आपके वीडियो लेंथ बने रहे, और खासकर जो लोग GTA 6 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए GTA 6 का लीक्ड डेट, या फिर आप बोल सकते हैं रूमर डेट के बारे में भी हमने इसमें बात की है। तो आप डायरेक्टली चाहे तो उस सेक्शन में भी स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप वहां पे स्किप करते हैं तो आप बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूज भी मिस कर जाएंगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप पूरा वीडियो एक फ्लो में देखें। तब जैसे जैसे फ्लो में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गेम के बारे में बहुत सारी चीजें जानने मिलेगी। उसके बाद आप आराम से, वो सेक्शन भी आएगा तो आप वहां पे लीक्ड डेट और रूमर डेट के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बात कर लेते हैं इस गेम का टाइटल, आपको ऑफ कोर्स पता चल गया है, GTA 6। GTA 6 जो कि एक बहुत ही हाईली एंटीसिपेटेड गेम है। अराउंड पिछले 3-4 साल से हर साल ट्विटर पे कुछ न कुछ इसके फैन मेड आर्ट्स, लीक्स, र्यूमर कुछ ना कुछ तो बाहर आते ही रहते हैं। और सबसे बड़े जो मतलब आप बोल सकते हो लीक्स का सर्कुलेशन जो होने लग गया था 2021 के एंड में, क्योंकि कोविड के बाद लोग ऑफकोर्स घर पे बैठे थे, लोग गेमिंग में और ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। तो 2022 में जाके रॉकस्टार ने ये लीक्स और जो रूमर्स से परेशान होके फाइनली अनाउंस कर दिया था कि GTA 6 इज इन द प्रोडक्शन, और ये अनाउंसमेंट हुई थी February 4, 2022 को। तो ये गेम अनाउंस तो कर दी उन लोगों ने, बट इसके बारे में कोई डिटेल उनकी तरफ से ऑफिशियली अभी तक नहीं आई है। इस गेम का दूसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो होगा वो होगा इस गेम का बजट। आप जैसे जानते हैं GTA 5 भी एक हाईली बजट इंट्रोसिव गेम था, तो GTA 6 उसका डबल होगा, क्योंकि GTA 5 के मैसिव सक्सेस के बाद GTA 6 यानी कि रॉकस्टार के पास कोई पैसों की कमी नहीं है। और GTA 5 ही नहीं, RDR 2 भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल गेम रही है, जिसकी वजह से GTA 6 में पैसों की तो कोई कमी नहीं होने वाली है। हाँ, टाइम की ज़रूर कमी हो रही है, क्योंकि लोग वेट कर कर के थक गए हैं इतने सालों से। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई डेट नहीं कि इस टाइम पे रिलीज़ होगा, कोई ट्रेलर नहीं, कोई टीज़र नहीं, कुछ नहीं अभी तक GTA 6 की तरफ से लॉन्च हुआ है। तो इसके बारे में और बात कर लेते हैं डिटेल में। उससे पहले मैं आपको ये जो सेक्शन वाइज जो मैंने वीडियो डिवाइड किया है मैं उसके बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कौन से सेक्शन है। पहला सेक्शन है जिसमें लोकेशंस के बारे में हम बात करेंगे, कौन से लोकेशन पे बेस्ड हो सकता है गेम। और दूसरा सेक्शन है कैरेक्टर्स क्या होने हो सकते हैं, कैरेक्टर्स में कोई मैसेज चेंज है कि नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, इसमें कौन से फीचर्स अभी अलग फीचर्स आ सकते हैं GTA 5 से एकदम ही अलग, या फिर उसी फीचर को थोड़ा एनहांस करके इसमें यूज़ किया जाएगा। चौथा सेक्शन है जो है ऑनलाइन मल्टीप्लेयर और माइक्रो ट्रांजेक्शन्स। वो तो आपको ऑफकोर्स पता होगा, जैसे GTA 5 में भी ऑनलाइन प्लेयर मल्टीप्लेयर आया था, RDR 2 में भी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर आया था, तो ऑफकोर्स सी बात है इसमें भी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर का आना बनता है और ऑफकोर्स आएगा। फिफ्थ सेक्शन है पुलिस के बारे में। जैसे आपको पता है GTA 5 में LSPD था, इसमें कौन सा पुलिस सेक्शन हो सकता है और पुलिस के बारे में और भी जो लॉ इन्फोर्समेंट और वो सब जो कैसे काम करेगा उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे डिटेल में। उसके बाद रिलीज डेट का रूमर जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं, तो वो है सबसे हमारा लास्ट सेक्शन। उसके बाद हम एक छोटी सी बात करेंगे कि गेम के बारे में कंट्रोवर्सीज क्या चल रही है, रॉकस्टार के बारे में क्या कंट्रोवर्सीज अभी मार्केट में चल रही है। फर्स्ट सेक्शन हमारा लीक्ड लोकेशन का,
लीक लोकेशन यानी हम इसमें बताएंगे आपको कि कौन सा मैप हो सकता है GTA 6 में प्रोबेबली। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे GTA 6 अनाउंस हुआ था फेब 4 2022 को, उसके कुछ महीनों बाद अराउंड सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीकेंड में एक नेटवर्क इंट्रूजन देखने को मिला था रॉकस्टार के सर्वर्स पे, और वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लीक की गई थी हैकर्स के द्वारा, और वहाँ से हमको कुछ 90 वीडियो क्लिप्स अराउंड सर्कुलेट किए गए थे। वहाँ से हमको जितने भी लोकेशंस देखने को मिले हैं उस वीडियो क्लिप्स में, तो उससे पता चला है कि ये ऑफकोर्स GTA Vice City के जो मैप है उस पर ही बेस्ड होने वाला है। GTA Vice City ऑफकोर्स कोई नहीं भूल सकता उस मैप को, द लेजेंडरी मैप ऑफ ऑल टाइम। और GTA Vice City आप सबके दिल में बसा हुआ है, टॉम यॉर्क को सब ने ऑफकोर्स वो प्लेबल कैरेक्टर कोई नहीं भूल सकता, इतना ज़्यादा लेजेंडरी कैरेक्टर है वो, तो सेम उसी मैप पे बेस्ड होने वाला है। बट डोंट वरी, GTA Vice City जितना छोटा मैप नहीं रहेगा अपना GTA 6 माइट बी बिगर दैन, नॉट माइट बी, इट वुड बी बिगर दैन GTA 5, माइट बी 2 or 2.5x के, इतना बड़ा तो हो सकता है। GTA 5 से तो अच्छा खासा बड़ा होने वाला है, उसका टेंशन तो नहीं है। बट इट वुड बी बेस्ड ऑन GTA Vice City, उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन हो सकता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये मैप, और जैसे आप बोल सकते हैं ये मैप के लीक्स सच हो कि नहीं हो इसका इतना गारंटी नहीं है, बट जैसे ही ये लीक्स इंटरनेट पर सर्कुलेट हुए थे तो रॉकस्टार ने सारे के सारे वीडियोस टेक डाउन कर लिए थे। तो आप समझ सकते हो रॉकस्टार इतना भी स्मार्ट तो नहीं है, कोर्स अगर आप सारे वीडियो को एनफोर्स करके डाउन कर रहे हो, मतलब कुछ तो उसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन होगा जो आपकी लीक हो रही है। तो इससे ये तो पता चल जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये मैप GTA Vice City का ही होने वाला है, और इससे ज़्यादा लोग और ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे क्योंकि GTA Vice City को देखे बहुत टाइम हो गया, और GTA Vice City को एक इतने अच्छे एनहांस ग्राफिक्स में देखना कौन नहीं चाहेगा, भले कैरेक्टर्स चेंज हो जाए या कुछ भी हो जाए, बट GTA Vice City हमारे दिल में बसा है, तो GTA Vice City को हम ज़रूर से देखना चाहेंगे। तो इसीलिए मैं भी इसी वजह से शायद रॉकस्टार इस गेम में वापस से GTA Vice City का मैप वापस ला रहा है। और जैसा मैंने बोला ऑथेंटिसिटी की बात तो उतनी ही कर सकते हैं क्योंकि रॉकस्टार ने सारे के सारे वीडियोस टेक डाउन कर दिए हैं। तो मैं ये वीडियो प्ले करके भी नहीं दिखा सकता लीक्स और जितने भी गेम प्ले के वीडियोस हैं, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि रॉकस्टार मेरे पे भी स्ट्राइक मार दे, क्योंकि रॉकस्टार ऑल ओवर द इंटरनेट से जितने भी लीक्स और जो रॉकस्टार को लगते हैं कि नहीं होने चाहिए वो हटा रहा। तो मे बी अगर इसमें से लीक थोड़ा सा भी कोई एक्यूरेट होता है जो मैं इंटरनेट से यूज़ करके अगर इस वीडियो में प्ले करूं, तो माइट भी मेरे को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में नहीं डाले हैं। आप ज़रूर से वो सारे लीक्स वैसे चेक कर सकते हैं, आपको इंटरनेट पे हर जगह मिल जाएंगे। भले रॉकस्टार ने हटाने की कोशिश की है, ट्विटर पे बहुत सारे लीक हुए थे, उसके बाद भले रॉकस्टार ने सारे चैनल पे स्ट्राइक डाल के या फिर कुछ भी जैसे भी तरीके से वो वीडियोज़ तो हटा दिया, बट इट हैज़ बीन डाउनलोडेड ओवर मिलियन टाइम्स। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं तो आपको ये लीक्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे। जैसा मैंने बोला आपको, ये मैप होने वाला है GTA Vice City पे बेस्ड, बट इट वुड बी अ एक्सटेंडेड वर्जन। तो ये GTA 6 जो मैप होगा ये GTA 5 से भी अच्छा खासा बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ी आप बात अब दूसरी आती है, ये प्लेबल कैरेक्टर क्या GTA Vice City वाले रहेंगे? नहीं। तो इसके लिए हम अपना सेकंड सेक्शन पे बढ़ते हैं। सेकंड सेक्शन जो कैरेक्टर के स्पेकुलेशंस अभी मार्केट में हैं, कैरेक्टर स्पेकुलेशंस के हिसाब से GTA 6 में GTA Vice City के कैरेक्टर्स नहीं होने वाले, GTA Vice City के जो भी कैरेक्टर्स है उनसे कोई लिंक नहीं होने वाला। माइट भी एक आप बोल सकते हैं ईस्टर एग थ्रू ऐड कर सकते हैं, या फिर GTA Rockstar, मतलब Rockstar अगर चाहे तो ईस्टर एग्स की जगह साथ में हो सकता कोई मिशन साइड मिशन में, या फिर कुछ कहीं भी ऐड कर दे Rockstar अगर कर सको तो। वी वुड लव टू सी टॉम यॉर्क सिटी बैक इन एक्शन, बट इट हैज़ बीन ईयर्स तो बोल नहीं सकते हम। तो सेकंड जो मैंने बोला कैरेक्टर स्पेकुलेशंस में GTA 6 में GTA Vice City के कैरेक्टर्स नहीं है, तो कौन से कैरेक्टर्स हैं? तो इस बार सबसे तड़कती बढ़कती न्यूज़ आ रही है कि GTA 6 में पहली बार रॉकस्टार की तरफ से होने वाले हैं एक फीमेल कैरेक्टर। हाँ, नॉट ओनली फीमेल कैरेक्टर बट एक मेल कैरेक्टर भी होगा। तो इस बार पहली बार रॉकस्टार की तरफ से एक मेल और फीमेल कैरेक्टर साथ में प्लेएबल होंगे। इससे पहले जितने भी रहे हैं कैरेक्टर GTA 4 तक वो सिंगल एक मेल कैरेक्टर रहे हैं,
और GTA 3 में 3 मेल कैरेक्टर्स प्लेएबल थे। पहली बार रॉकस्टार कोई ऐसा गेम बना रहा होगा जिसमें एक फीमेल कैरेक्टर प्लेएबल होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ना RDR में फीमेल कैरेक्टर प्लेएबल है और ना ही GTA सीरीज़ में। रैदर देन इसके अलावा इनके कोई और गेम सीरीज़ हो तो आई डोंट नो, वो इतने पॉपुलर नहीं है, बट अभी के लिए जितने इंफॉर्मेशन है मेरे पास, कोई भी फीमेल कैरेक्टर प्लेएबल नहीं है रॉकस्टार की तरफ से। GTA 6 वुड बी द फर्स्ट गेम जहाँ पे एक फीमेल कैरेक्टर प्लेएबल होगी, और इसमें एक भाई बहन का डुओ हो सकता है जो कि प्लेएबल होने वाला है। जो लीक्स आए हैं उसके हिसाब से भाई का नाम जेसन और सिस्टर का नाम लूसिया होने वाला है। अब बोल सकते हैं ये नाम ज़रूर गलत हो सकते हैं, बट ये भाई बहन का जो डुओ है, ये ब्रदर सिस्टर डुओ विल बी देयर इन GTA 6। GTA 6 में ऑफ कोर्स आप 100% आप बोल सकते हो GTA 6 में पहली बार फीमेल कैरेक्टर प्लेएबल होने वाली है। कैरेक्टर के बारे में बात कर ली, अब तीसरा सेक्शन आता है हमारा इनहेंस्ड ग्राफिक्स के बारे में। तो ऐसे कौन सी चीज़ों पे काम किया है रॉकस्टार ने, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये और मैं आपको सारी बातें बता दूँ, ये सारी जितने भी लीक्स र्यूमर्स और जो भी इंटरनेट पर सर्फेस हुआ है उसके द्वारा बनाया गया एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो है। इसमें से कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं और कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स सही होने वाली, क्योंकि सारी चीज़ें गलत नहीं हो सकती, क्योंकि अब ये जो जितने भी लीक्स हैं, ये सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है ये सही भी हो सकती है और गलत भी, बट ना 100% राइट और ना 100% रॉन्ग, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और तीसरा सेक्शन है इनहांस ग्राफिक्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो होने वाली है यहाँ पे GTA 6 में, फेशियल रिकग्निशन फीचर आने वाला है, और ये इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं मिला इंटरनेट पे, बट माइट बी पॉसिबल कि GTA 6 में एक फेशियल रिकग्निशन फीचर आएगा। उसका क्या पर्पस होगा, क्या यूज़ होगा, अभी तक कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन बाहर नहीं है। GTA 6 में दूसरी जो सबसे बड़ा फीचर हो सकता है कि यहाँ पे एक जॉब भी कर सकते हैं साथ में, लाइक अ मल्टीप्लेयर गेम। ये भी एक लीक ही है बट नॉट कन्फर्म्ड, बट देर आर हाईली चांसेस कि एक कैरेक्टर जाके थोड़े टाइम के लिए या कोई भी कुछ भी एक जॉब, पर्टिकुलर जॉब कर सकता है फ्रॉम विच ही कैन अर्न मनी रेदर देन बाइंग द मनी। और इसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर है डायनेमिक वेदर का, वो तो आप सबने सुना होगा, ये सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड फीचर है, आप बोल सकते हो फीचर नहीं एनहांस ग्राफिक्स है। ये चीज़ें GTA मल्टीप्लेयर ऑनलाइन जो थी उसमें भी थी, बट उतनी डिटेल नहीं थी, क्योंकि GTA ऑनलाइन में बार बार एक अपडेट रोल आउट करना पड़ता था, उसके बाद जाके ये चीज़ होती थी। बट GTA 6 में बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक वेदर होने वाला है, यानी आप समझ सकते हो कि क्लाउड मूव करेंगे, सीजन चेंज होगा, डे एंड नाइट सर्कल प्रॉपर काम करेगा, और जैसे जैसे सीजन चेंज होगा माइट बी इस इट वुड अफेक्ट द एज ऑफ द कैरेक्टर ऑल्सो। दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस ये मेरा गैस है, ये कहीं लीक्स में नहीं था, बट मेरा गैस है कि अगर एक पूरा सीजन चेंज होता है, एक पूरा ईयर चेंज होता है, तो इट माइट अफेक्ट द एज ऑफ द प्लेएबल कैरेक्टर। हाँ ऑफकोर्स इट वुड नॉट गेट एज ओल्ड, बट थोड़ा तो इफेक्ट कर सकता है। डायनेमिक वेदर के साथ साथ जैसे मैंने बोला 3D वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स होने वाले हैं जो कि रियल टाइम में चेंज होंगे, जैसे अगर सनलाइट हुआ तो सनलाइट के हिसाब से क्लाउड्स अलग दिखेंगे, अगर एक रेनी सीजन रहा तो उसमें क्लाउड्स आपको थोड़े ज़्यादा अलग दिखेंगे। GTA 5 में भी ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं बट उतनी एक्यूरेट नहीं है, और ना ही उसमें सीजनल चेंजेस होते हैं, वो एक रैंडम इवेंट में कभी रेनी वेदर आ जाता है और कभी एक प्रॉपर आप बोल सकते हो कि एक सनी वेदर आ जाता है, उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। और साथ ही साथ तीसरी चीज़ जो है वो वाटर, जितने भी वाटर बॉडीज़ होंगी GTA 6 में बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होने वाली है, और इसी के साथ जो वाटर वेव्स है वो कोलिजन्स और जब वेव करेगी तो वो एक प्रॉपर रियलिस्टिक फील देगी एक प्लेयर को। तो आप जैसे समझ सकते हैं, जैसे स्टिमुलेट आप कर सकते हैं अगर एक वाटर बॉडी को जो रियल लाइफ में कैसे करती है, वैसे ही वो वाटर बॉडीज़ GTA 6 में भी स्टिमुलेट कर सकती हैं, देयर आर हाईली चांसेस। और ये चीज़ें तो ऑफकोर्स होने वाली, क्योंकि इतने जो इनहांस फीचर्स ऑफकोर्स लेके आने पड़ेंगे रॉकस्टार को, क्योंकि आप समझ सकते हैं GTA 5 जो कि आज से 10 साल पहले आई थी उसमें इतने अच्छा खासे ग्राफिक्स थे और इतना रियलिस्टिक चीज़ें अप्रोच लिया गया था, तो GTA 6 में उससे 10 कदम आगे तो होना ही चाहिए। इसके लिए ऑलरेडी एक स्टेप अहेड है RDR 2 में भी कितनी चीज़ें एनहांस्ड हैं,
तो वो वहाँ से भी वो चीज़ें ली जा सकती हैं। तो पहली चीज़ जो है, पहला इन्फॉर्मेशन था इस सेक्शन में, वो था फेशियल रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग, दूसरा था डायनेमिक वेदर के रिगार्डिंग, तीसरा था वाटर बॉडीज़ के रिगार्डिंग, चौथा आपको क्लाउड और जो क्लाउड कैसे बिहेव करेंगे, वो 3D वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स होंगे वो कैसे बिहेव करेंगे उसके बारे में था। और एक और चीज़ हो सकती है कि NPC का एक प्रॉपर बिहेवियर हो इस बार। NPC एक सिर्फ एक NPC ना, NPC ऑफकोर्स NPC ही रहेगा, नॉन प्लेबल कैरेक्टर ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखा सकते, बट फिर भी उसमें कुछ चीज़ें तो ऐड की जा सकती है। इसमें मैं गेस नहीं कर सकता क्या है, बट जो भी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे उसके हिसाब से NPC के बिहेवियर्स में थोड़ा तो चेंज रहेगा इन कंपैरिजन टू GTA 5 एंड ऑन। और ये एनहांस ग्राफिक्स में एक और चीज़ हो सकती है, जैसे जैसे हमारा वाटर बॉडीज मूव करेंगे या फिर किसी कॉलिजन या फिर वेदर चेंज करेगा, उसी हिसाब से मे बी के मैप में हरिकेन्स और टॉर्नेडोज भी आ सकते हैं और उसके अलर्ट्स आपको न्यूज़ के थ्रू मिलते रहेंगे। हाँ, आपके मैप पे ये चीज़ें शो ना हो, बट माइट बी पॉसिबल कि हरिकेन्स और टॉर्नेडोज माइट शो ऑन योर मैप, मैप इन द सेंस आपके जो न्यूज़ एंड ऑल है उस पे, तो आप उस चीज़ों से भी स्ट्रक हो सकते हो। और अगर ये चीज़ें हो गई तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा, प्लेयर्स और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो रॉकस्टार इतना तो कर ही सकता है कि ऑफकोर्स उन लोगों ने GTA 5 जैसी गेम बनाई है आज से 10 साल पहले, तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन रहेगा ऑनलाइन मल्टीप्लेयर। तो जैसे आप लोगों को पता है, GTA 5 आने के बाद GTA ऑनलाइन आया, RDR 2 आने के बाद RDR ऑनलाइन आया, तो ऑफकोर्स GTA 6 के लिए एक अलग ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम होने वाला है, क्योंकि GTA 5 का जो GTA ऑनलाइन है वो ऑलरेडी डेड हो चुका है, उसमें सिर्फ हैकर्स, उसमें सिर्फ स्कैमर्स यही सब भरे पड़े हैं। आई पर्सनली प्लेड GTA ऑनलाइन और आई एम नॉट हैप्पी विथ इट, क्योंकि इसमें हर लॉबी में सिर्फ और सिर्फ हैकर्स आते हैं। तो ऑनलाइन मल्टीप्लेयर इस बार वापस आएगा GTA 6 के लिए अलग से, और इस बार ज़्यादा सिक्योर रहे, आई वुड होप सो, पिछली बार की तरह इसमें सिर्फ हैकर्स ही ना भरे पड़े रहे। और ऑनलाइन मल्टीप्लेयर के साथ सबसे बड़ी चीज़ आएगी माइक्रो ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि ऑफकोर्स रॉकस्टार कमाएगा कैसे, तो रॉकस्टार के लिए सबसे बेनिफिशियल चीज़ माइक्रो ट्रांजेक्शन। और इसी वजह से एक और चांसेस है कि GTA 6 का एक ऑनलाइन वर्जन आएगा ही आएगा, क्योंकि सिर्फ गेम सेल से उतना अर्निंग नहीं होता जितना माइक्रो ट्रांजेक्शन से कर लेती है। आपको पता ही होगा एक शार्क कार्ड जो आता है वो अराउंड 5-6,000 का आता है, अगर आप डिस्काउंट पे भी बाय करते हो तो भी अराउंड 3-4,000 के तो आते हैं, और शार्क कार्ड में भी अराउंड 3-4 वेराइटीज़ हैं, तो आप समझ सकते हो। तो माइक्रो ट्रांजेक्शन्स फिर से आने वाली है, और माइक्रो ट्रांजेक्शन्स इस बार ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होंगे। और इसी के साथ जो माइक्रो ट्रांजेक्शन्स में भी, माइक्रो ट्रांजेक्शन इस बार फोकस जो दूसरी चीज़ों पे भी, रादर देन बाइंग बोल सकते हो आप सिर्फ मनी, उसके अलावा माइट बी माइक्रो ट्रांजेक्शन्स कुड बी यूज फॉर अदर पर्पसेस आल्सो, बट अभी के लिए तो ये एक सिर्फ रूमर्स है। बट माइक्रो ट्रांजेक्शन्स में ऑफकोर्स माइक्रो ट्रांजेक्शन्स तो आने वाला है, माइक्रो ट्रांजेक्शन के जो लुक्रेटिव यूजेस हैं वो अभी तक डिफाइंड नहीं है, उसके बारे में कुछ खास लीक्स नहीं है, बट ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो नया होने वाला है सेम माइक्रो ट्रांजेक्शन्स। क्यों कोई वापस से एक शार्क कार्ड लेके GTA ऑनलाइन, एक और GTA ऑनलाइन खेलना चाहेगा, कुछ तो नया होना चाहिए। तो इसीलिए मे बी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर पे कुछ नए मोड्स हों, कुछ नया करने को प्लेयर्स के लिए, हैकर्स कम हों, जिसकी वजह से एंजॉयमेंट थोड़ा और बढ़ सकता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, AI पुलिस। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिस। ये मेरा कहने का तरीका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिस के दौर में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिस, बाय दिस आई मीन के एक पुलिस रादर देन प्लेइंग डेड कॉप, इट वुड प्ले लाइक अ प्रॉपर कॉप। आप समझ सकते हैं इन रियल लाइफ कॉप कैसे एक्ट करता है, इट वुड अगर उसको किसी क्राइम सिचुएशन पे जाना है तो उसको पुलिस स्टेशन से एक व्हीकल ड्राइव करना होगा, एक लोकेशन तक आना होगा, वहाँ लोकेशन पे आने के बाद इट वुड स्ट्रेटजाइज, वो एग्जिट इस्केप रूट्स को बंद करेंगे, इस्केप रूट्स को बंद करने के बाद वहाँ पे जो क्रिमिनल होगा उसको टेस डाउन करने की कोशिश की जाएगी, माइट भी उसको सरेंडर करने का चांस दिया जाए और तब जाके उसको अरेस्ट किया जाए। अगर वो फिर अरेस्ट नहीं, अगर वो फिर सरेंडर नहीं करता तो ही माइट गेट शॉट डाउन। और अगर यही चीज़ आप GTA 5 से कंपेयर करते हैं, GTA 5 में ऐसा था अगर आप थोड़ा सा भी एग्रेसिवनेस के साथ करते हैं तो कॉप्स आपको सीधा गोली ही मार देंगे, कॉप्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और बहुत ज़्यादा
डेड प्ले करते हैं, कॉप्स कोई प्रॉपर कॉप्स जैसा नहीं एक्ट करते, और कॉप्स उसमें पहली बात तो स्पॉन होते हैं, हम अगर जहाँ पे भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेंगे उसके अगल बगल से स्पॉन होते हैं। GTA 6 में एक ये नई चीज़ हो सकती है कि पुलिस विल ड्राइव टू द नियर फ्रॉम द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू द नियरेस्ट क्राइम लोकेशन, और इस हिसाब से एक्ट करेगी पुलिस। और साथ ही साथ जो कुछ वीडियोस आए भी थे इसके, जिसमें बट उसमें ये नहीं पता चल पाया था कि पुलिस ने एस्केप रूट्स बंद किए थे कि नहीं किए थे, बट वो लीक्स के हिसाब से पुलिस इज एक्टिंग डिफरेंट फ्रॉम GTA 5 एंड अदर गेम्स पास्ट जो रॉकस्टार गेम्स रही है। इसमें जो ड्राइव होगा, ड्राइव के साथ साथ आपको एस्केप रूट बंद किया जाएगा, यानी आपको हर तरफ से घेरा जाएगा, आपको कार चेस भी हो सकता है, प्रॉपर कार चेस हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप किसी टनल में घुस गए तो बस आपको पुलिस ने पीछे छोड़ दिया, इस पर प्रॉपर कार चेज हो सकता है, कार ड्राइविंग भी प्रॉपर होगी पुलिस वालों की इन कंपैरिजन टू GTA 5। और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट में भी। लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, बट अभी के लिए सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ही होने वाला है। आप एक्सपेक्ट करोगे कि उसमें कोई जजेस एंड ऑल हो, उतना तो नहीं होने वाला, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट जो होगी वो एक प्रॉपर पुलिस डिपार्टमेंट की तरह एक्ट करेगी, रैदर देन जस्ट गोइंग टू द क्राइम लोकेशन एंड किलिंग पीपल्स, समझ सकते हो ना, और इवैक्यूएट करने में भी हेल्प कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इन रियल लाइफ जो पुलिस वाले होते हैं उससे ली जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि LSPD से तो बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला है GTA 6 के पुलिस डिपार्टमेंट, अभी तक फिक्स नहीं है, बट जो लीक्स आए थे और जो लीक्स ऑफकोर्स पुलिस जो लीक्स ऑफकोर्स GTA 6 की तरफ मेकर्स की तरफ से GTA 6 के मेकर्स की तरफ से रॉकस्टार की तरफ से डिलीट कर दिए गए थे ट्विटर पे, उसमें भी यही चीज़ें देखने को मिली थी। उसमें एस्केप रूट को ब्लॉक करते हुए नहीं दिखाया गया था, बट बाकी चीज़ें कुछ ना कुछ तो देखने को हमको मिली हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है रिलीज डेट का रूमर, जिसके लिए आप पूरा वीडियो देख रहे थे, जिसके लिए बेसब्री से सब इंतज़ार कर रहे हैं, वो है रिलीज डेट के जितने रूमर्स, और अब सब जानना चाहते हैं कि ये गेम कब रिलीज़ हो रही है, कब रिलीज़ हो रही है, कब रिलीज़ हो रही है, मार्केट में कोई रिलीज डेट है कि नहीं है, रॉकस्टार कब रिलीज़ करेगा इसका टीज़र, कब रिलीज़ करेगा इस ट्रेलर। अब तो देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं है इस गेम के बारे में, बट एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे आपको पता होगा 17th सितंबर 2013 को PS3 पे GTA 5 लॉन्च हुआ था, तो दिस 17th सितंबर यानी कि एग्जैक्ट 10 साल बाद कुछ ना कुछ तो GTA 6 के बारे में न्यूज़ आपको मिल सकती है, क्योंकि उनका 10th ईयर एनिवर्सरी है GTA 5 का, तो दे वुड बी सेलिब्रेटिंग GTA 5 का 10th ईयर एनिवर्सरी, और उसके ही दौरान आपको कुछ ना कुछ GTA 6 के बारे में माइट भी आपको एक टीज़र देखने को भी मिल जाए। और साथ ही साथ जो इस गेम का एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है, अगर इसी साल रॉकस्टार इसको अनाउंस कर देता है ये सितंबर में अंदर 10th ईयर एनिवर्सरी, तो मे बी नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2024 या 2025 के बीच में रिलीज़ हो जाएगा, और 10th ईयर एनिवर्सरी पे ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन हमको देखने को मिल जाएगी। और जैसे अगर नहीं भी मिलती तो आप समझ सकते हैं कि ये GTA 6 अब ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहिए, 2026 वुड बी द मैक्सिमम डेट, 2026 भी बहुत ज़्यादा हो गया, आई वुड से कि 2025 तक ये गेम रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि अभी जितने भी मार्केट में लीक्स और वो सब आए थे उसके हिसाब से एक प्रॉपर गेम प्ले या फिर कुछ ना कुछ तो देखने नहीं मिला है। इसका मतलब GTA 6 वॉज इन डेवलपमेंट फॉर लास्ट अराउंड 5 ईयर्स, इतना तो आप गेस कर ही सकते हैं, तो ऑफकोर्स GTA 6 2025 वुड बी द मैक्सिमम डेट, उस दिन तक 2025 के ईयर तक एंड तक रिलीज़ हो सकता है। और रिलीज़ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है 17th सितंबर 2023 तक आपको पता चल जाएगा। आपको ऑफकोर्स पता है जैसे मैंने बोला कि 10th ईयर एनिवर्सरी है, तो अगर 17th सितंबर 2023 को आपको नहीं पता चलता तो आप ज़रूर से और थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं। जब PC पे GTA 5 पहली बार लॉन्च हुआ था वो था जनवरी 2014 आई थिंक सो, तो सितंबर से लेके जनवरी तक का टाइम है, अराउंड 3-4 महीने के बीच में कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इस गेम के बारे में। सो आई विड रिकमेंड कि आप रॉकस्टार को अभी से ही फॉलो करके रख लें ट्विटर पे, क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको पहले ही मिल जाए। और साथ ही साथ अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ और आर्टिकल्स कुछ भी नया आया इस गेम के रिगार्डिंग मार्केट में तो आपके लिए हम ऑफकोर्स लेके आएंगे। जैसे हमने अब ये वीडियो बनाने में इतना डिले इसलिए किया, हम वेट कर रहे थे कोई लीक्स आए, कोई रूमर्स आए, कोई कुछ तो आए मार्केट में,
कोई वही घिसी पिटी आर्टिकल्स आ रहे थे कि GTA 6 में ये हो सकता है, ये हो सकता है, बिना कोई प्रूफ के, बिना कुछ। ये जो हमने बनाया है, ये मल्टीपल आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद, एक मल्टीपल रिसर्च करने के बाद, फिर जाके ये वीडियो का हमने पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला है। और कुछ लीक्स हमने खुद ने देखे हैं, आई वुड एडमिट लीक्स हमने देखे हैं, बट वही जैसे मैंने बोला, ये लीक्स मैं आपको ना लिंक में दे सकता हूँ, ना मैं आपको ये प्ले करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि GTA 6 के मेकर्स कुछ ना कुछ तो पका रहे हैं, और उस चक्कर में मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगा। और हमने जस्ट अभी 4000 आवर्स क्रॉस कर लिए हैं, और साथ ही साथ 1000 का आप बोल सकते हैं गोल भी हमने टच कर लिया है। मोनेटाइजेशन के इतने नज़दीक होने के बाद हम इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेना चाहेंगे। ऑफकोर्स आप लोगों को पता है रॉकस्टार एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसके बाद रिलीज डेट रूमर्स के बाद एक सबसे बड़ी चीज़ आती है, कॉन्ट्रोवर्सीज जो चल रही हैं रॉकस्टार को लेके या दूसरी गेमिंग कंपनीज को लेके। मैं बोलूँगा दूसरी गेमिंग कंपनीज को नहीं, पूरा हॉलीवुड इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग गेमिंग एंड आर्टिस्ट्स को लेके। तो अभी आपने ऑफकोर्स से सुना होगा कि मार्केट में DC की मूवीज़, साथ ही साथ मार्वल की मूवीज़, ये भी डिले हो रही है, और इनके साथ साथ गेम्स भी डिले हो रहे हैं। तो ये चीज़ें रॉकस्टार को भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि रॉकस्टार ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में फंस चुका है। रॉकस्टार के आर्टिस्ट, रॉकस्टार के जो GFX आर्टिस्ट, जो VFX आर्टिस्ट हैं, जो राइटर्स हैं, जो स्क्रीन प्ले एडिटर्स हैं, जो एनवायरनमेंट डिज़ाइनर्स हैं, जो भी हैं, उनमें से कुछ ना कुछ स्टाफ तो रॉकस्टार के खिलाफ भी बोल रहा है, और वो लोग रॉकस्टार के वर्क कल्चर से खुश नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे स्टाफ बाहर आए हैं जिन्होंने रॉकस्टार के वर्क कल्चर को एग्रेसिव बताया। जैसे ही कोई गेम रिलीज होने वाला होता है, उस टाइम के लास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर, रॉकस्टार, जैसा उन्होंने बताया कि रॉकस्टार उनसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम करवाता है, उनका वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, उनसे अराउंड 12 आवर शिफ्ट में या मे बी 16 आवर शिफ्ट में भी काम करवाया जाता है, ताकि पब्लिक को उनका डिमांड फुलफिल किया जा सके। बट रॉकस्टार, अगर रॉकस्टार को एक छोटा सा सजेशन है, ऐसी चीज़ें नहीं करो यार, हमारे ऑलरेडी गेम लेट हो रहा है, हम कितना और वेट करेंगे इस गेम के लिए। तो ये चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं GTA 6 को, रिलीज डेट को। बट माइट बी पॉसिबल कि GTA 6 लॉन्च हो जाए जल्द से जल्द, और उसका टीज़र आ जाए सबसे पहले। तो टीज़र आने के बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे, टीज़र के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन रॉकस्टार रिलीज़ करेगी वो सारे इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी हम एक वीडियो ज़रूर से बनाएंगे। तो मे बी जैसे मैंने बोला कि टीज़र लॉन्च हो सकता है September 2023 में, और September 2023 में रिलीज़ नहीं होता तो आप जनवरी तक वेट कर सकते हैं। उसके बीच में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर से आएगी GTA 6 के बारे में, और गेम अगर थोड़ी लेट होती भी है तो भी 2025 के एंड तक रिलीज़ हो सकती है। तो इस वीडियो को अभी कंक्लूड करते हैं, और जो लीक्ड फुटेजेस, जो वीडियोज़ और जो गेम प्लेस लीक हुए, तो जो 90 वीडियो क्लिप्स लीक किए गए थे हैकर्स के द्वारा अराउंड सेप्टेम्बर में जैसे मैंने बोला, तो वो चीज़ें भी आप इंटरनेट पर जाकर खुद ढूंढ सकते हैं। वो चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखा सकता ऑफकोर्स फॉर सर्टेन रीज़न, और बट इसमें जो भी चीज़ें बोली गई हैं एक वेल रिसर्च के बाद ही बोली गई हैं, तो देर आर हाईली चांसेस कि हमारे जो भी प्रेडिक्शंस हैं GTA 6 को लेके, उसमें से 60-70% चीज़ें सच होने वाली है। मैं आपको एक चीज़ की जरूर से गारंटी दे सकता हूँ, वी वॉन्ट बी 100% राइट, बट वी वॉन्ट बी 100% रॉन्ग ऑल्सो। कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं हमारे प्रेडिक्शंस में से, कुछ चीज़ें सही भी हो सकती है हमारे प्रेडिक्शंस में से, बट एक चीज़ जो हमेशा इस चैनल पे बनी रहेगी वो एंटरटेनमेंट और गेमिंग। तो उस गेमिंग और एंटरटेनमेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना है। और जैसा मैंने पहले ही बोला, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले, उनको भी ये हज़ारों आर्टिकल्स एड्स के साथ ना पढ़ना पड़े। कौन इतना एड्स के साथ आर्टिकल पढ़ना पसंद करेगा, उससे एक वीडियो देख ले 10 मिनट का, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है इस वीडियो में। तो ऐसे और वीडियोस के लिए कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और साथ ही साथ जैसे मैंने बोला आप हमारे दूसरे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे सबसे पॉपुलर सीरीज़ है फ्री गेम्स के बारे में, हाँ हम अपने चैनल पे फ्री गेम्स के बारे में भी बताते हैं, और साथ ही साथ जो गेम्स पे डिस्काउंट चल रहे थे उसके बारे में हम अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में बताते हैं, तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा, बाय बाय।